वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो यासीन मलिक से जुड़ी हुई है। दरअसल टेरर फंडिंग केस में एनआईए की विशेष अदालत ने अलगाववादी नेता यासीन मलिक को दोषी करार दे दिया है। यासीन मलिक ने पिछली सुनवाई के दौरान खुद अपना गुनाह कबूल लिया था। अब इस मामले में सजा पर बहस 25 मई को होगी और जो मामला है यासीन मलिक पर उसमें अधिकतम उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। तो यासीन मलिक टेरर फंडिंग मामले में दोषी करार, अलगाववादी नेता जम्मू कश्मीर के यासीन मलिक अपना गुनाह यासीन मलिक ने कबूल कर लिया था और आज एनआईए की कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, यासीन मलिक को दोषी करार दिया गया है। हालांकि सजा कितनी होगी, सजा को लेकर बहस 25 मई को होनी है और उसके बाद ही अदालत सजा पर अपना फैसला सुनाएगी। ये जरूर बता दें आपको कि जिन धाराओं के तहत यासीन मलिक को दोषी करार दिया गया है उन धाराओं के तहत उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। हम सीधे आपको लिए चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, ये जो मामला है टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ, कब का मामला, जरा विस्तार से इस मामले की जानकारी दीजिए जिसके तहत दोषी यासीन मलिक को करार दिया गया है। जी रुमाना, ये जो मामला है इसमें सिर्फ यासीन मलिक नहीं बल्कि इसके अलावा भी जो है अलगाववादी कई नेता शामिल है और 1990 के दशक के बाद से लेकर के अभी जो है कुछ सालों पहले तक इस तरीके के कई लगातार शिकायतें आ रही थी जिसके बाद में एनआईए ने ये मामला दर्ज किया था। और अभी जो है अदालत ने दो दिन पहले इस मामले में यासीन मलिक समेत जो अन्य आरोपी है इस मामले में उन सबके खिलाफ आरोप तय किए थे और जो धाराएं हैं उसमें राष्ट्रद्रोह तक की धारा शामिल है। अगर हम इस मामले की बात करते हैं तो इस मामले में यासीन मलिक के अलावा शब्बीर शाह, मसर्रत आलम, व्यवसायी जहूर अहमद, बिट्टा कराटे समेत जो है एक दर्जन से ज्यादा आरोपी हैं। उन सभी के खिलाफ ये आरोप तय हुए थे लेकिन जैसा कि अगर हम अदालती प्रक्रिया की बात करते हैं, आरोप तय होने के बाद में आरोपी को मौका दिया जाता है कि क्या वो यहाँ पर अपना गुनाह कबूल करता है या इस ये जो धाराएं तय की गई, आरोप तय किए गए हैं इन पर जो है वो ट्रायल चाहता है या फिर इन पर बहस चाहता है। तो यहाँ पर बाकी आरोपियों ने तो कहा कि वो इन धाराओं पर बहस चाहते हैं लेकिन यासीन मलिक ने अपना गुनाह कबूल कर लिया वहीं पर अदालत में और इसी वजह से आज अदालत ने यासीन मलिक को दोषी करार दिया है। 25 मई को इस मामले की जब सुनवाई होगी तो वहां पर यासीन मलिक के खिलाफ ये जो धाराएं लगाई गई हैं, जो आरोप तय किए गए थे जिनमें दोषी करार दिया गया है उन पर सजा पर बहस होगी और ये जो धाराएं हैं इसमें क्योंकि राष्ट्रद्रोह की भी धारा है लिहाजा उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।